सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज आप लोग देख रहे हो मोटरबुल का एक और वीडियो तो भाई आज की ये वीडियो क्या है क्या नहीं है सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग ध्यान से देखें भाई पूरी वीडियो देखें स्किप ना करें ऑल दैट मैं आप लोगों को ये चीज़ हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें भाई जो भी एफर्टेबल नॉलेज आप लोगों के लिए एक तरीके से मैं यहाँ से लेकर के आता हूँ इकट्ठा करता हूँ भाई वो नॉलेज अपने से कोई या मैंने कोई एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं भाई ऐसे ही आप लोगों के लिए गाड़ी में बैठ के भाई वीडियो नहीं बनाई जाती है या फिर आपको गाड़ी उठा के ले जाके इसकी वीडियोज़ नहीं बनाई जाती आप लोगों के लिए आप को नॉलेज मिले कोई चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ कोई मेरे फ्रेंड्स फेस कर रहे हैं या ऑल दोस्त मेरी ऑडियंस फेस कर रही है तो मैं जिस टॉपिक की हम इन वीडियो में बात कर रहे हैं वो क्या रहने वाला वो भी भाई आप लोगों से मैं शेयर करूंगा उससे पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कल यानी कि आप लोगों को पता है चार जुलाई को क्या सेल्टोज रिवील हो गई है भाई आपको पता है उसका फेस लिप्ट आ गया है अगर आप उस गाड़ी से रिलेटेड मोटरगुल वाले अंदाज में उसका रिव्यूज़ चाहते हैं या उस कार में क्या फीचर्स आए हैं या मेरी कुछ ऑडियंस ऐसी है जो उस गाड़ी से रिलेटेड डिटेल्स चाहती है क्या फीचर्स आए आप लोगों को पता है वो फीचर लोडेड गाड़ी है सब कुछ उसमें आया है एंड आप लोगों को होंडे की किस गाड़ी को कॉम्पटिट करने वाली है वो ये भी आप लोगों को पता है क्रेटा सब लोगों को पता है नॉर्मल चीजें सभी को पता होती है खैर ये अलग टॉपिक में हम इसका डिस्कस करेंगे उससे पहले भाई जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें यार सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है चैनल को मिलता है यार, बहुत कहीं एक तरीके से अच्छी जगह लग रहा है बढ़िया उस काम का रिजल्ट निकल रहा है तो भाई इस वाली वीडियो में बेसिकली हम ये वीडियो हमारी रहने वाली है कि जब भी आप नई कार परचेज करने जाते हैं तो आप लोगों ने किन बातों का ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जब आप न्यू कार बायर फर्स्ट टाइम कार बायर होते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है बहुत सारी चीजें होती हैं यार मैं लोन आ लू या फिर मैं पहली बार ले रहा हूं यार कोई दिक्कत मेरे साथ ना हो जाए मेरा लोन पास होगा नहीं होगा मेरे तो ये एक सीरीज है बहुत पूरी की पूरी एक सीरीज है तो फिलहाल हम आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले कि जब भी आप अपनी कार बाय करने के लिए जाते हो तो उस टाइम पे जब आप प्लान कर चुके होते हो कि भाई नहीं मुझे अब कार लेनी है मैं एक तरीके से फाइनलाइज हो चुका हूं कि भाई देखो मार्केट में आप लोगों को भी पता है स्टार्ट करते हैं हैचबैक आती हैं शिडान आती हैं ठीक है भाई आप लोगों की क्रॉसओवर भी अब आने लगी है मार्केट में आप लोगों को अगर जिन भाइयों को नहीं पता तो फ्रॉक्स लेवल की जो कार्स होती हैं वो क्रॉसओवर व्हीकल ही मैं उन्हें कहता हूं ये आप लोगों की टाटा पंच तो के बाद भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी आ गई एसयूवी सेगमेंट में बहुत कुछ है मार्केट में भरा हुआ यार थार जिमनी ऑफ रोडर कार्स तो भाई आप लोगों को अपना प्रस्पेक्टिव जानना है कि मेरा प्रस्पेक्टिव क्या है मैं गाड़ी क्यों लूं भाई मेरा क्या रीजन है या मैं कैसी कार लूं तो इस बात पे भी हम वीडियो बनाएंगे कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए अगर लेनी चाहिए तो आपका आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस हिसाब से आप अपनी कार को बाय कीजिए और अपना बजट जरूर डिसाइड कीजिए यार कि मेरे को इस बजट में गाड़ी लेनी है तो ये एक अलग टॉपिक है लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर हम बात कर रहे हैं कि जब आप कार लेने के लिए निकलते हो राइट right? आप एक गाड़ी डिसाइड कर लेते हो राइट right? अगर सपोज कीजिए कि सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आपने कार डिसाइड पहले आप क्या करोगे वहीं से स्टार्ट करते हैं शुरू से एक तरीके से यहीं से स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप लोगों को इसे डिस्कस करता रहूंगा आप लोगों ने क्या करना सबसे पहले आप लोगों ने एक गाड़ी डिसाइड करनी है कि मुझे भाई ये कार लेनी है सपोज करो मुझे एक हैच खरीदनी है अब आपने क्या करना है हैचबैक में भी आपने कार चूज कर ली अब उसके राइवल जो मार्केट में है उस गाड़ी के सपोज कीजिए मैं अपना एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ बलिनो चूज करी मुझे पता आई ट्वेंटी एंड अल्ट्रोज इसके कॉम्पिटिशन में आती है मार्केट में इसके राइवल है ठीक है तो मैंने करना क्या है कि मैंने बलिनो के डीलरशिप पे भी विजिट करना है टाटा डीलरशिप पे विजिट करना है अल्ट्रोज के लिए और हंडे डीलरशिप पे विजिट करना है अपनी आई ट्वेंटी के लिए तो आप लोग भी ऐसा ही करोगे तीनों गाड़ियों को देखने के लिए आप तीनों डीलरशिप पे जाओगे आपको पता है तीनों कार्स एक दूसरे की राइवल हैं और मैं इनमें से किसी भी कार को परचेज कर सकता हूं भले ही आप लोगों का मन सेट है आप लोगों का माइंड सेट है कि मुझे लेनी बलिनो है वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव है लेकिन आप जाएं जरूर भाई ठीक है इससे दो फायदे होंगे आपके पहला आप अभी किसी को सजेशन दे सकते हो कि भाई आप लोग ऐसा कर सकते हो और उसके बाद कभी कभी क्या होता है आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने बलिनो लेनी है ठीक है आप आई देखने गए ठीक है मोस्ट प्रॉबली केस में ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग बलिनो देखने गए और आप लोगों को बलिनो आप लोग लेना चाहते हो और आप लोग आईटेंटी देखने गए आईडेंटी आपको पसंद आ गई राइट तो भाई ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो आप जाए जरूर देखने के लिए तो आप जाते हो भाई देखते हो सारी चीजें जो भी है उसके बाद आप डीलरशिप पे जब विजिट करने जाते हो तो उनको बताओ भाई मेरे को कार चाहिए ये सारी चीजें हैं और इस इस रेंज में मेरे को को गाड़ी चाहिए पर डीलरशिप जब आप वहां जाते हो तो सेल्स पर्सन से सबसे पहले आपका जो आमना सामना आप लोगों का होता है सबसे पहले जो आप भिड़ते हो भाई वो आप लोगों का होता है सेल्स पर्सन राइट तो सेल्स पर्सन से आप लोग भिड़ोगे वो बंदा आपको गाड़ी दिखाएगा फीचर्स बताएगा सब कुछ आप लोगों से वो बात करने वाला है उसके बाद आप लोग उसे सीधे कहिए फीचर्स वगैरह जब आपको डिटेल में बता दे कि भाई मेरे को क्योंकि आप तो घर से प्रिपरेशन करके जा रखे हो ना आप घर से भी एक प्रिपरेशन करके निकलो ठीक है आपने अल्ट्रोज आई ट्वेंटी और बलिनो इन सेगमेंट में तीनों गाड़ियों की आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद आपने शोरूम में पहुंचना है आपको पता है मैं को ये कार में ये सारी चीजें मिलेंगी इसका ये वेरिएंट मेरे बजट में आ रहा है तो आपको पता है सपोज कीजिए बलिनो का आप लोगों के बजट में जो वेरियंट आ रहा है वो होने वाला है आप लोगों का जेटा और अगर अल्ट्रोज का आपके बजट में कोई वेरिएंट आ रहा है तो वो होने वाला है आप लोगों का एक्सजेट प्लस ठीक है ऑप्शनल की बात नहीं कर एक्जेक्ट प्लस मैम एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ और वहां अगर आप आई ट्वेंटी लेने जा रहे हो तो वहां पे आप लोगों को सपोज करो आस्था आप लोगों के बजट में आ रहा है उसका आप आस्था जो वेरिएंट है वो आ रहा है तो तीनों वेरिएंट्स को आपने घर से स्टडी करके जाना है और वहां जब आप पहुंचोगे ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस बात को वहां जब आप पहुंचोगे तो डीलरशिप से आपने सीधे कहना है कि भाई मेरे को टेस्ट ड्राइव दोगे या नहीं दोगे मोस्ट प्रॉब्ली केस में टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स अवेलेबल नहीं होते हैं मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है आप जब भी शोरूम पे जाते हो तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं अगर आप कार चलाना जानते हो तो आप टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेंगे टेस्ट ड्राइव आपकी जो छोटी मोटी बातें क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल उनका ऑलरेडी चला हुआ होता है और वो जो अंदर की बातें होती है ना गाड़ी की वो बाहर निकाल के दे, रख देता है ठीक है क्योंकि वो कार अच्छी खासी रन हो चुकी होती है और उस गाड़ी को जब आप रन करोगे तो एक आइडिया लगा पाओगे कि भाई आपकी कार हमेशा तो नई नहीं, नहीं रहेगी एक दिन पुरानी जरूर होगी और उसके बाद उसका क्या फीडबैक होने वाला है वही गाड़ी मेरे को जरूर बता देगी इसलिए टेस्ट ड्राइव जो व्हीकल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी नहीं आती आपको कार चलानी नहीं आती तो भाई अपना कोई फ्रेंड्स अपना कोई रिलेटिव उसको साथ लेकर के जैसे गाड़ी चलानी आती अच्छा खासा नॉलेज जो कार के बारे में रखता है और उसके बाद आप टेस्ट आप जब टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद बाद आप 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 टेस्ट टेस्ट ड्राइव ड्राइव लीजिए लोग जब ले लेंगे कंपैरिजन कीजिए घर पे आइए आराम से एकदम फाइनल मत कीजिए डील घर पे आइए आराम से अपना बैठिए एनालाइज कीजिए भाई ठीक है अब आपने जब एनालाइज किया है तो आपके माइंड में आया कि भाई मुझे बलिनो ही लेनी है राइट मैंने भी ऐसा ही किया था तो भाई मेरे को लास्ट में यही मेरा जो रिजल्ट निकला कि मेरे को बलिनो ही लेनी है अच्छा इंजन पावरफुल इंजन मिल रहा है ठीक है नो डाउट फीचर्स लोडेड कार है सब कुछ जो गाड़ी में इसमें फीचर्स मिल रहे थे मुझे और एक तरीके से राइवल की है जो उसमें नहीं मिल पा रहा था या कुछ भी आप लगा लो और बजट में भी भाई मेरे ये मेरी पॉकेट में फिट बैठ रही थी तो मैं इस हिसाब से गया तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि आप लोग सोसेबाजी के चक्कर में लोग दिखावे के चक्कर में आस पड़ोस के चक्कर में भाई अपने पैसे ना डुबाएं एक चीज हमेशा याद रखें एटलीस्ट बट नॉट लास्ट आप लोगों के ही को ही भाई गाड़ी का पेमेंट करना है आप लोग लोन लोगे उस कार कार के लिए आपको ही देना है आप लोग उस कार को कैश लोगे अपना हार्ड इन कैश मनी लगाओगे आप उसमें जिससे आप बहुत सारे काम और भी कर सकते थे एक अच्छी गाड़ी लेने के बाद तो भाई वो भी आप लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट होने वाला तो आप ऐसा कभी ना करें कि अपनी कार लाने के लिए लोगों को दिखाने के लिए अपने पैसे को गलत जगह लगा दें गलत क्योंकि देखो भाई गाड़ियां आप लोग देख रहे हैं मार्केट में कार्स दुनिया में आप लोगों को पता है कि हर दिन भाई हर गाड़ी का छह महीने साल भर या दो साल के बाद एक फेस लिफ्ट निकल के सामने आ रहा है नया मॉडल आ रहा है ठीक है लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई गाड़ियां आ रही तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा किसी कार पे खर्च करना चाहिए ये मेरा अपना ओपिनियन है बाकी भाई आप लोगों का क्या है वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करके लिखेगा तो भाई ये चीज रही आप लोगों की कि आप लोग गाड़ी लेते हुए इन चीजों का ध्यान दोगे आप लोग जाओगे सपोज बलिनो आपने डिसाइड कर ली अब आप गए डीलरशिप पे मारुति के ठीक है तो हंड्रेड किलोमीटर के दायरे में जितने मारुति नेक्सा के डीलरशिप है आप सब में विजिट करोगे एक एक करके ठीक है दूसरा आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है वहां जाकर के सबसे पहले आप लोग डीलरशिप में सेल्स पर्सन से मिलोगे और सेल्स पर्सन को आप ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं होने दोगे कि भाई आपकी कार मेरे को पसंद है आपकी गाड़ी ही मैं लेने वाला हूँ ठीक है भाई ऐसी कोई चीज आप लोग उसे शो नहीं होने दोगे वहां पे आप उसके सामने बैठोगे बोलोगे भाई ठीक है मेरे को गाड़ी चाहिए मैं कार लेना चाहता हूं अब मेरे को बताओ आप ये जो मेरा जेटा वेरियंट है कितने टाइम में मेरे को मिलेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में क्या होता है कि आपको कार्स में आज के टाइम में वेटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है मेरे को बलीनों पे नहीं देखने को मिली थी और मैक्सिमम पर्सन को नहीं देखने को मिल रही है बलिनों पे लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम गाड़ियों पे आप लोगों के बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन किस पे तो बहुत ज्यादा भी है भाई दो साल ढाई साल का भी है लेकिन कुछ में एक डेढ़ साल का भी आप लोगों को वेटिंग पीरियड अच्छा खासा देखने को मिलता है तो वहां पे आप लोगों ने माइंड चलाना है उसको कहना भाई वो कहता है आपको गाड़ी कब तक चाहिए आप लोगों ने उसे कहना मेरे को गाड़ी बहुत जल्दी चाहिए आपको ये चीज़ ये आपको माइंड में लेके जाना है मेरे को गाड़ी बहुत जल्दी चाहिए वन वीक में मुझे कार चाहिए और एक और चीज़ आप लोगों ने कहना है कि मैं पूरी की पूरी गाड़ी कैश ले रहा हूँ ये चीज़ भी आपने उसके सामने रख देनी है अगर वो कहता है कि लोन कराओगे क्या कराओगे वो पूछेगा भाई आपको क्योंकि वो ना वो सब कुछ नॉलेज रखते हैं आपके बारे में उनको पता होता है कि बंदे का माइंड पूरी तरीके से सेट है ये लेना चाहता है ये क्या करना चाहता है तो आप उसे सीधे कहोगे कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है और एक हफ्ते के अंदर मेरे को चाहिए मैं कैश लूंगा कार ठीक है तो भाई इससे आपके फायदे ये होंगे कि अगर आप इस तरीके की बात करोगे तो कहीं ना कहीं भाई आप लोग अच्छा खासा डिस्काउंट उस कार पे ले सकते हो अच्छे खासे पैसे अपने बचा सकते हो इस चीज़ पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो हो गई भाई बहुत ज्यादा लंबी क्योंकि बहुत डिटेल में यार आप लोगों के सामने मैं सारी चीजें लाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो कोई पॉइंट छूट ना जाए ठीक है तो होता क्या है कि आप लोग इस तरीके की बात करोगे बाकी भाई उसके बाद आप क्या करोगे अपनी गाड़ी का वेरिएंट अगर वो आपको कह देता है कि भाई टेंटेटिव डेट के लिए कह देता है कि इसने तारीख को मैं आपको कार दे दूंगा आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है आप लोग वहां पे बैठ करके क्या करोगे गाड़ी के वेरिएंट जो भाई उनका एक तरीके से जो उनके पास डॉकेट होते हैं गाड़ी बुक करने के भाई आप लोग डॉकेट जरूर देता और डॉकेट जरूर आप लेकर के आए उनसे जो भी भाई उनकी फाइल्स होती है जिसमें वो लोग मैंशन करते हैं आपका नाम आपका मोबाइल नंबर आपने एक तरीके से कौन सी गाड़ी बुक की है ये सारी चीजें उसमें होती है तो वो मोहर लगा के भाई आप लोग एक बात ध्यान रखें वो बिल्कुल

विदाउट हिस्टेशन इसे जो है मैं एक तरीके से कैंसिल कर दूंगा यह डील और उसके बाद भाई मैं दिमाग में वो गाड़ी भी है एक गाड़ी भी और प्लान करके चले उस डीलर को बताने के लिए मैं उसको ले लूंगा राइट तो कहीं ना कहीं आपको एक फायदा जरूर होगा कि आपको आपकी कार टाइम पे मिलेगी ये तो जरूर आप लोगों का फायदा होगा देखने वाली बात रहेगी आप लोग जरूर प्रैक्टिकल करके देखेगा इस चीज को आपको टाइम पे अपनी कार मिलने वाली है अगर आप इस तरीके की बात डीलरशिप पे जाकर के करते हो ठीक है अब आप लोगों ने घर आना है अब घर आना है आपने अपने डॉकेट लेके इंतजार करना है उस डेट का जिस डेट की टेंटेटिव डेट डीलरशिप ने आपको दी है कि भाई इस तारीख को आपको गाड़ी मिलेगी ठीक है उस बीच में आपने अपनी तैयारियां बढ़िया रखनी है भाई तैयारियां क्या होने वाली हैं सबसे पहले डीलर्स आपकी डिलीवरी डेट से दो दिन पहले या एक दिन पहले आपको कॉल करता है किस चीज के लिए पीडीआई करने के लिए और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप अपनी कार की पी पीडीआई पीडीआई का मतलब होता है भाई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ठीक है कि डिलीवरी से पहले आप अपनी कार को देखते हो चेक करते हो सारी चीजें क्या कहां पे ठीक है फिट है एक्सीडेंटल कार तो नहीं है प्रीपेंटेड तो नहीं है बम्पर अपनी जगह पे बम्पर में कोई किसी तरीके का डेंट तो नहीं है कार में कोई डेंट तो नहीं है और जब भी आप अपनी कार का पीडीआई करने जाते हैं तो मैं अपने मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोग दिन के टाइम यानी कि जब सनलाइट

एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो भाई अपने लोन लेना चाहते हैं कार्स पे तो भाई अगर लोन में भी आप लोग कंफ्यूज है कि किस तरीके का हम लोन कराएं कहां से हम लोन कराएं हम गवर्नमेंट बैंक से कराएं हम प्राइवेट सेक्टर से कराएं कहां से हम लोन कराएं उन भाइयों के लिए वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि भाई आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी मैं एक तरीके से कार लोन पे भी वीडियो जरूर बनवा के लाऊंगा सोचते हैं लोग उनके एक्सपर्ट क्या सोचते हैं कि हमें कौन से बैंक से अपना कार लोन उठाना चाहिए कितना हमें कार लोन उठाना चाहिए किस इंटरेस्ट पे मैं कार लोन उठाना चाहिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों के के सामने जरूर लेकर आऊंगा उससे पहले बात करते हैं आप अपने लोन की प्रक्रिया जरूर करें जहां आप सैलरी आती है आपकी वहां पर देखें कि मेरी सैलरी कौन से बैंक में आती है और अपने सैलरी बैंक से ही मैक्सिमम कोशिश करें बहुत ज्यादा परसेंट कोशिश करें कि मेरी जो लोन कार्ड का है वो मेरे सैलरी अकाउंट यानी कि जहां पे मेरी सैलरी आती है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयू गवर्नमेंट बैंक में आती है प्राइवेट बैंक में आती है वहीं से मेरा जो है कार्ड लोन पॉसिबल हो जाए ठीक है अगर आपका वहां से होता है ठीक है नहीं तो डीलरशिप आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है भाई वो लोग आपको सबसे पहले पूछते हैं सर हम आपका लोन करवा के देंगे

आप लोग जब भी अपने एक तरीके से पेपर साइन करते हो लोन वगैरह सारी चीजें आप लोगों के हो रखी है वो पेपर आप लोग देते हो उसके साथ भाई कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी होता है सबसे अभी कार परचेज कर रहे हो और एक तरीके से टू थाउजेंड है और आपको गाड़ी पकड़ा दी जनवरी की दिसंबर की इतनी पुरानी गाड़ी आप लोगों को दे दी ये भी जरूरी देखना है तो उसके लिए आप डीलरशिप से एक छोटी सी चीज मांगोगे वो है फॉर्म ट्वेंटी आप लोग उनको कहोगे कि मेरी गाड़ी का फॉर्म ट्वेंटी मेरे को ला करके दो मैन्युफैक्चरिंग डेट मुझे देखनी है भाई जब आप गाड़ी के एक तरीके से सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे आपके आरटीओ के पेपर बन जाएंगे आपका इंश्योरेंस फाइन, फाइनल हो जाएगा आप लोग वहां साइन कर दोगे गाड़ी ओके कर लोगे, उसके बाद भाई कोई आपको पूछने वाला नहीं है वहाँ पे उसके बाद कोई भी चीज करेक्शन नहीं होती है क्योंकि तो आप कार के मालिक हो चुके हो वो गाड़ी आपने ऑलरेडी परचेज कर दी है आपने पैसे दे दिए हैं उसके बाद कोई नहीं सुनेगा ये सारे काम आपने तब करने जब आप पीडीआई कर रहे हो या फिर आप डिलीवरी लेने के डेट पे जब आप डिलीवरी ले रहे हो तो भाई उस दिन आपने गाड़ी को परचेज करने से पहले पहले डीलरशिप के सामने ये सारी चीजें रख देनी है उससे आप लोगों के बहुत फायदे होंगे दोस्तों आप लोग जब भी जाओगे बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेंगे तो आप लोगों ने ये जरूर करना है फॉर्म ट्वेंटी वन ध्यान रखें फॉर्म ट्वेंटी लेना उसके बाद आप किस स्टेप पे पहुंचोगे स्टेप रहने वाला है आप लोगों का कि भाई अब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हो और डिलीवरी लेने वाले हो ऑल दो लोग डिलीवरी लेकर के आ जाते हैं मेरे पड़ोस में अभी गाड़ी है इग्नेस जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं भाई उन लोगों को किसी भी तरीके का गिफ्ट मारुति वालों ने नहीं दिया मुझे छोटा मोटा गिफ्ट उन्होंने दे दिया था भाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लेकिन भाई मैं आप लोगों को बताऊ उनको बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं दिया ऊपर से कोई गिफ्टेड एसेसरी उनकी गाड़ी में लगा करके जो कि होनी चाहिए भाई और डिस्काउंट पे एक अलग वीडियो जरूर डिस्काउंट भी आप लोगों का अधिकार है और आप लोग पीडीआई से पहले आप लोग डिलीवरी से पहले आप जब गाड़ी बुक करवाने जाते हो उस टाइम पे आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हो कि डिस्काउंट कैसे गाड़ी पे लें तो उसके लिए भी भाई कॉमेंट करें तो यह सारी चीजें होती हैं भाई आप लोग फिर अपनी डिलीवरी लेते हो उसके बाद जब आप फाइनलाइज हो हो जाते कि हाँ, मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके है फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग डेट ज्यादा नहीं एक महीने पुरानी है ठीक है चलता है भाई ठीक है उसके बाद आप गाड़ी की डिलीवरी लेके घर आते हो लेकिन घर आने से पहले आपने क्या करना है वहीं पे जहां से आपने कार ली है जो भी गाड़ी आपने परचेज की है उसके भाई बिल्कुल जस्ट बगल में है, सर्विस सेंटर आप लोगों का होगा उसी एक तरीके से डीलरशिप का तो वहां पे सर्विस में जाए भाई सर्विस डिपार्टमेंट में मिले सब लोगों से उसका क्या फायदा होने वाला है क्योंकि जब आप कार परचेज कर लेते हो उसके बाद भाई आप लोगों का शोरूम से सारा कनेक्शन टूट जाता है आपकी कार में अगर एक बोल्ट भी खराब होता है ना या एक बोल्ट भी आप लोगों का ऊपर नीचे होता है तो उसके बाद भाई सर्विस सेंटर में ही आपकी गाड़ी जाती है कभी शोरूम में दोबारा विजिट करने के लिए नहीं जाती है और ना उन लोगों को मतलब था उन लोगों को सिर्फ इतना मतलब था कि गाड़ी कैसे बेचे इसके डिलीवरी तक वो लोग बिल्कुल आपके साथ रहेंगे खड़े रहेंगे उसके बाद आप लोगों की कार की हेल्थ उसकी लाइफ उसका फ्यूचर वो उस सारी चीजें भाई डिसाइड होती हैं आप लोगों के सर्विस सेंटर पर तो भाई अपने सर्विस में जाए जेनमेन जिस कंपनी की आपने गाड़ी ली है जिस डीलरशिप से आपने कार ली है, जिस भी ब्रांड पे आप गए हो वहां पे जाए भाई और वहां पे जाकर के उसके सर्विस सेंटर में घूमें लोगों से मिलें एक तरीके से सर्विस एडवाइजर से मिलें उन लोगों से अच्छी बातें करें उन लोगों से उन लोगों को भाई मिठाई भी खिला सकते हो आप एक तरीके से अगर आप गाड़ी लाते हो आप उनको मिठाई भी खिला सकते हो वहां पे जाके जो सर्विस एडवाइजर आप लोगों का है ठीक है उनसे मिलके और भाई बहुत अच्छा लगेगा और फ्यूचर में आपकी गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं ये बेटर रहने वाला है उसके बाद आपकी कार की पूरी की पूरी हेल्थ का जो एक तरीके से ख्याल होता है ना फ्यूचर आपकी गाड़ी का होता है भाई वो सर्विस वालों के ही हाथ में होता है ठीक है तो भाई बहुत सी चीजें मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि ये वीडियो आप लोगों की रही भाई कि आप जब नई गाड़ी लेने जाते हो तो किन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है ये वीडियो उससे रिलेटेड है और भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा कि भाई आप कैसे डिसाइड करें कि आपने नई कौन सी गाड़ी लेनी बहुत सारी वीडियो भाई बहुत सारी सीरीज आने वाली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई ठीक है थैंक यू सो मच